हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले के परशुराम कॉलेज में छात्र के पास नकल की पर्ची नहीं मिलने पर बौखलाए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने छात्र की तलाशी ली और उसके सारे कपड़े उतरवा दिए। जब पर्ची नहीं मिली तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने छात्र के सीने पर पैर से धक्का देकर गिरा दिया। इसकी पूरी तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। छात्र ने बताया कि वो बीए फाइनल ईयर में पढ़ता है और उसका हिस्ट्री का पेपर था जिसे वो दे नहीं पाया। वहीं अपना भविष्य बर्बाद होता देख छात्र उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर पुलिस थाने पहुंच गया। आज मेरा हिस्ट्री का पेपर था, एक लेक्चरर हैं वो ड्यूटी पे आए हुए हैं, वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे चेकिंग के लिए उठाया और मेरे कपड़े वगैरह झाड़ने लगे। उसके बाद मैंने उनको कहा कि मैं, अगर आपको तसल्ली हो तो मैं अपने कपड़े भी निकाल के आपको दिखा सकता हूँ। मुझे लेके गए, मेरे सारे कपड़े उतरवाए इन्होंने, ठीक। पर्ची ना मिलने के बावजूद उन्होंने मुझे उठ के मारा और मुझे धमकी भी दी, ठीक है। हाँ, मारा क्यों? वो मुझे कह रहे थे कि तूने मुझे धमकी दी है, और जबकि मैंने ऐसा कोई वर्ड उनको बोला नहीं। किस क्लास में पढ़ गया? सर मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ उस टाइम। आज मेरा फाइनल ईयर का हिस्ट्री का एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम पूरा हो गया था आपका? नहीं सर, एग्ज़ाम भी इन्होंने बीच में रुकवा दिया। कितनी देर तक रुके रहे? सर लगभग 2 घंटे मैं एग्ज़ाम में, मेरे को एग्ज़ाम लिखने ही नहीं दिया इन्होंने। ये कहते कि मैं तुझे आज एग्ज़ाम लिखने भी नहीं दूंगा और तेरा केस भी बनाऊंगा। आज तक मैंने अच्छे संस्कार दे करके पाला हूँ सर, आज तक कोई समस्या कोई शिकायत नहीं आई हमारे बेटों की। और मैंने गया, एक्सीडेंट हुआ सर, मैंने गए, हम बोले कि सर इस तरह का बर्ताव करते, आप तो टीचर हो, आपको तो अच्छी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, तो करेंगे तो कौन है, मेरा हाथ धर करके सर करेंगे, तुम्हारे से बात नहीं करनी है, चलो नीचे। आ कह रहे हैं कि ये लड़का तुम्हारा धमकी दे रहा, लड़का मेरे साथ है, इनको धमकी क्या दे रहा है, ये बात है सर सारी। ये बच्चों ने अभी सूचना मिली थी, सूचना पर मौके पर गए हैं, उसके बाद एक बच्चे की और एक प्रोफेसर के बीच में कोई कहा सुनी है, उसके बाद सीसी कैमरे की फुटेज वगैरह हमने चेक करे हैं। जैसे भी आगे कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे, अभी जाँच इसकी। मामला जब पुलिस थाने तक पहुंचा तो सेक्टर 5 चौकी के प्रभारी चांदीराम ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है, जिसके बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ डेस्क।